झाबुआसपी अगम जैन ने मेघनगर में पैदल गश्त कर आम जनता को सुरक्षा का एहसास करवाया है। पुलिस अधीक्षक ने पैदल पेट्रोलिंग के दौरान भीड़भाड़ वाली जगहों पर आम जनता की समस्याओं को जाना है व दुकानदारों से आह्वान किया है कि वे अपने आसपास किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधियां दिखाई दे तो तुरंत खबर करें। एसपी अगम जैन ने बताया है कि कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए शहर बाजार में पैदल गश्त अभियान चलाया जा रहा है। नगर की सुरक्षा व्यवस्था और भी चाक चौबंद बनाने के लिए आजाद चौक, साई चौराहा, टेम्पो स्टैंड सहित 5 प्रमुख स्थानों पर पुलिस पॉइंट के इंतजाम किए जाने की बात एसपी ने जोर दिया है। साथ ही महिलाओं के साथ छेड़छाड़ जैसी घटनाएं न हों व अराजक तत्वों को चिन्हित कर उन पर नजर रखी जाने की व्यवस्था कर इनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की बात पुलिस अधीक्षक द्वारा कही गई। पेट्रोलिंग के दौरान एसडीओपी रविंद्र राठी, मेघनगर थाना प्रभारी टीएस डावर सहित पुलिस स्टाफ पैदल फ्लैग मार्च में उपस्थित रहा। मुख्य उद्देश्य ये है कि आम जनता के बीच में हम लोग पहुँच सकें। आमतौर पर पैदल गश्त जो है वो थोड़ी सी कम हो गई है वाहन आने के कारण से, जिसके कारण से लोगों से संवाद भी कम हो पाता है, लोगों की समस्याएं भी हम कम समझ पाते हैं। तो इसलिए ये इस प्रकार से पैदल गश्त निकाली है कि हम लोगों से मिल सकें, एक एक चीज़ को चिन्हित भी कर सकें, शहर कस्बे का नक्शा भी हमारे दिमाग में रह सके, कौन सी विवादित जगह हैं, कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ झगड़े होने की संभावना है, कहाँ अतिक्रमण रहता है, कहाँ पर आदतन अपराधी किस्म के लोग रहते हैं, गुंडे लोग रहते हैं, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर शाम को महिलाएं बहन आराम से निकल सकती हैं, कहाँ नहीं निकल सकती हैं, कस्बे की सीमाएं कहाँ कहाँ तक हैं। तो हर चीज़ को समझने के लिए हमारे पूरे जो फोर्स है पूरे थाना क्षेत्र की, सब डिवीजन क्षेत्र की, वो इसको अच्छे से समझ ले, और दूसरा लोगों में भी एक ये विश्वास रहे कि पुलिस है, पुलिस यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए है, आम जनता को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। और गुंडे अपराधियों में भी ये भय रहे कि कोई भी नए अपराध तो करें ही ना, और पुराने अपराध में भी यदि वो कहीं चोरी छुपे बैठे हुए हैं तो पुलिस जल्दी उनको ढूंढ करके न्याय के सुपुर्द करेगी।